हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो भी फेसबुक से रिलेटेड। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं और उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज का बहुत ही ध्यान देना होगा, कॉपीराइट का। अगर आप अपने फेसबुक पर कॉपीराइट आ गया तो आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको फेसबुक पर कॉपीराइट को चेक करना बताऊंगा, वीडियो पर आए हुए कॉपीराइट को हटाना बताऊंगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और कॉपीराइट ऐसी चीज है, अगर कॉपीराइट आपके चैनल पर आ जाता है तो चैनल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए आए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी लाइक आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं YouTube और Facebook Instagram से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, कि हम अपने हमारे जैसे हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर जो है हमारे फेसबुक पेज पर जो है एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी थी उस पर कॉपीराइट आया हुआ है। तो मैं इस माध्यम से आपको बताऊंगा कि फेसबुक पर कैसे कॉपीराइट को चेक करेंगे। ठीक है, और उसको कैसे हम हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। और हम सबसे पहले क्या, दोस्तों मैं अपना फेसबुक जो है ओपन कर रहा हूं और आप लोगों को दिखाता हूं, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसको चेक करना है, कैसे इसको रिमूव करना। ठीक है, तो आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो है फेसबुक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने अपना जो है फेसबुक ओपन कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए आपको दाहिनी तरफ ये अपना जो है प्रोफाइल सिंबल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपना जो फोटो लगा रखा होगा वो दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको तीन लाइन भी दिख रही होगी, देखिए ये देखिए। ठीक है, तो इस पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमको दोस्तों यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सपोर्ट इनबॉक्स का, देखिए यहाँ पर मैंने गोला कर रखा है। ठीक है, इस सपोर्ट इनबॉक्स पर क्लिक कर देना है, इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए और दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ नीचे वाले पर योर अलर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है एक दूसरा पेज खुलेगा। यहाँ पर देखिए मेरे एक वीडियो पर कॉपीराइट आया हुआ है। मैंने इस वीडियो को क्या किया था, दूसरी की वीडियो को जो है मैंने अपने साथ फेस लगाकर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था, इस पर जो है मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वीडियो योर वीडियो न्यू चैलेंजेज ए ट्रेंडिंग रील्स वीडियो हैज न्यू कॉपीराइट अपडेट। ठीक है, अब इस अपडेट को, ठीक है, अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इसको हटाना कैसे है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कैसे हटाना है। आपको क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे नीचे जो है, यहाँ नीचे देखिए सी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सी डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, सी डिटेल्स पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखेंगे इस तरीके का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू कर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा पेज खुल गया, हाउ डज कॉपीराइट वर्क। ठीक है, कॉपीराइट कैसे वर्क करता है, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस कंटिन्यू पर हमको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हाउ टू मेक श्योर योर कंटेंट डज नॉट वायलेशन कॉपीराइट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है लिख कर आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है यहाँ नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तीन ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो जो है, मेरा तो ना तो खुद की आवाज है और ना मेरा खुद का वीडियो, सिर्फ मेरा फेस दिख रहा था उसमें। ठीक है, और जो वीडियो है वो दूसरे की है, उसमें आवाज ही उसी की है। ठीक है, तो दोस्तों हमको इस वीडियो को डिलीट करना होगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि वीडियो आपका नहीं है, आपकी आवाज भी नहीं है, ठीक है, या आपका आवाज भी है और वीडियो कॉपीराइट आ चुका है, ठीक है, तो इसको जो है आपको क्या करना होगा, रिमूव वीडियो करना होगा। ये तीसरे ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर कोई मोह माया नहीं करनी होगी कि हमारा वीडियो डिलीट हो जाएगा, हमारी अर्निंग नहीं होगी। इस पर हमको जो है रिमूव वीडियो पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इस वीडियो को डिलीट करते हैं। ठीक है, रिमूव वीडियो पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख कर आ रहा, डिलीट वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों हमको इस पर बिना मोह माया किए हुए इस वीडियो को डिलीट करना होगा, क्योंकि अगर हम इस वीडियो को डिलीट नहीं करते हैं तो हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा, और स्ट्राइक आ जाएगा तो हमारा चैनल खराब हो जाएगा, डिमोनिटाइज हो जाएगा। ठीक है, और हम एक भी पैसा कमा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसको हमको जो वीडियो को डिलीट करना होगा। चलिए हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं।
तो दोस्तों जो है इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अब जो है हमारा वीडियो जो है डिलीट हो गया, योर वीडियो वाज रिमूव, ठीक है, दिस इश्यू इज रिसॉल्व एंड योर फ्यूचर एक्शन इज नीड्स, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है लिख कर आ जाएगा, उसके बाद हमको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, ठीक है, क्लोज कर देना है। उसके बाद इस तरीके से जो है हमारा जो है वीडियो का जो कॉपीराइट जो आया हुआ था, ठीक है, जो मेरे चैनल पर कॉपीराइट आया हुआ था, इसको मैंने जो वीडियो से आया था उस वीडियो को मैंने डिलीट ही कर दिया, क्योंकि मेरी वीडियो तो थी नहीं, मेरी आवाज भी नहीं थी उसमें, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आपके चैनल पर होता है, आपने किसी दूसरे की वीडियो अपलोड कर रखी है, आपकी आवाज नहीं है, आपका वीडियो नहीं है, तो आपको उस वीडियो को डिलीट करना होगा, अगर आपके वीडियो पर कॉपीराइट आता है तो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने वीडियो को अपने चैनल से कॉपीराइट को हटाना है। और भी इसमें तरीके हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारी ओरिजिनल की वीडियो होती है और जो है उसमें हमारी ओरिजिनल आवाज होती है, फिर भी कॉपीराइट आ जाता है, तो उसका सोल्यूशन अलग है, ठीक है। तो उसको वीडियो को आपको डिलीट नहीं करना है, ठीक है, उसका अलग सोल्यूशन है। मैं इस तरीके का मेरे चैनल पर आता है, मैं आप लोगों को जरूर इस वीडियो को बनाकर बताऊंगा कि उस पर क्या करना है, ठीक है। तो